Good evening, everyone. Good evening. Okay. So let us start the chapter, which is your Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Okay, guys. As I was saying, जैसे कि मैं बता रहा था आप सभी को basically इस chapter में सबसे पहले हम लोग समझेंगे apartheid को. And second thing is that how did Nelson Mandela became the first black president in South Africa? How did Nelson Mandela become the first black president in South Africa, guys? Okay, so we will read about this. Okay, guys, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. First thing is, guys, we have to understand apartheid. इसके बारे में basically आपने civics के class 9th में आपने पढ़ा होगा chapter में, right everyone? कौन कौन पढ़े हैं? पढ़े ना आप सभी? If you have remembered, okay. So basically, first of all, we will understand. देखो ये long walk to freedom क्या है? Long walk to freedom is an autobiography, okay, written by South African President Nelson Mandela in 1994. ये कब लिखा गया था? ये 1994 में और ये publish भी हुआ. It was published in 1994. ये 1994 में publish हुआ था. तो जो आज हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे ना, वो उसी का एक पार्ट है जिसका जिक्र इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में किया है. ओके एवरीवन, आ रही बात समझ में? यानी कि जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट एवर वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर, इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. गेटिंग एवरीवन? ये क्या है? तो उसी का पार्ट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और समझने जाएंगे. ओके, सबसे पहले बेसिकली हम लोग समझते हैं कि ये अपार्थिड क्या है. ओके, आ रही बात समझ में? कोई बताएगा मेरे को? एनीवन गाइस, हु विल स्पीक अबाउट दिस? ये क्या है? एनीवन गाइस? सर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. अमन, आपकी आवाज नहीं आ रही है लाउडली. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को मेरी आवाज, रंग भेद, मिस्टी अपार्थिड, ये तो आपने मीनिंग बताया. क्या रंग भेद मींस व्हाट? एक्चुअली योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली. ओके गाइस, सो इफ यू वांट टू राइट इन अ ब्रीफली वे, यू कैन राइट. आप लोग उसको राइट कर सकते हो, ठीक है ना? जैसे अमन ने बताया सर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. ओके, दैट वॉज नॉट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. टेल मी एनीवन. Tell me, discrimination on their background? No, अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ ना, it was a political system that separates people according to their race. अब समझिएगा, ये एक political system था. वो क्या करता था ना, people के जो रंग है, समझ में आ रहा है ना, जो color का skin है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता था, उनको सेपरेट किया जाता था. इट मीन्स देयर वॉज अ डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन फॉर व्हाइट पीपल. जो व्हाइट कलर के लोग थे उनके लिए क्या था, तो डिफरेंट रूल रेगुलेशन था, डिफरेंट फ्रीडम था, बहुत सारा एडवांटेज था. बट वही अफ्रीका के लोग जो क्या थे, ब्लैक थे, नेटिव थे, वहां के लोगों को ये सारी एडवांटेज नहीं मिलता था. उन लोगों को रिस्ट्रिक्शन रहता था. अरे बस समझ में ना, कि इन लोगों को प्रॉपर कोई खास प्लेस जहाँ पे व्हाइट पीपल जा रहे हैं, यस, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर. यस संकेत, एज आई टोल्ड, यू आर स्पीकिंग राइट. तो सबसे पहले अपार्थिड को समझो आप लोग. ओके, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट दैट चैप्टर. ओके, आप लोग पढ़े, उसको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ. क्लास नाइन्थ में आप लोग इसके बारे में पढ़े हो, आई होप आप लोगों को अच्छे से मालूम है. ओके, तो मैं क्या करवा दे रहा हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करवा दे रहा हूँ, आप सभी को समझ में आ जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग, और मेरे को लग रहा है कि आप सभी समझ रहे हो. हमारी बात समझ में ना? तो देखो, बेसिकली क्या किया जाता था, सेपरेट्स किया जाता था उनके रेस पे, उनके कलर पे, ठीक है? तो देखो, कलर पे तो सेपरेट कर दिया गया, किस किस प्रकार का प्रॉब्लम होता था, ठीक है? तो इस बात को हम लोग समझते हैं कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट द पीपल हु बिलोंग टू ब्लैक स्किन, ठीक है ना, वो लोग फेस करते थे. जनरली थ्री टाइप्स के स्किन वाले लोग साउथ अफ्रीका में रहते थे. एक व्हाइट स्किन पीपल,
जिसको हम व्हाइट बोलेंगे, ओके, एक ब्लैक स्किन वाले पीपल, ठीक है ना, और एक का जो होता है ना कलर्ड स्किन रहता है, ना ही ज्यादा ब्लैक और ना ही ज्यादा व्हाइट, बट ये ब्लैक और ये कलर्ड वाले पे दोनों पे क्या करते थे ना ये लोग, काफी ज्यादा मतलब रूल रखे थे, रेगुलेशन था कि ये लोग को फ्रीडम नहीं था, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा था कि वो लोग ना फ्रीडम तरीके से कहीं पे लोग घूम नहीं सकते थे। इवन ये लोग का जो पब्लिक प्लेस था इवन मार्केटिंग करने के लिए वो भी सेपरेट था कि व्हाइट कलर के लोग यहाँ पे मार्केटिंग करेंगे अलग उनका जगह रहेगा और ब्लैक वाले लोग का अलग मार्केटिंग करने का जगह है, ठीक है, अलग तो कर दिया गया कोई बात नहीं, यहाँ तक भी कोई बात नहीं है, बट एडवांटेज जो रहता था ना, जो प्रॉफिट रहता था, इवन बोल सकते हैं जो रिसोर्सेज मिलता था वो केवल व्हाइट कलर वाले लोगों को मिलता था, ब्लैक वाले के लिए इतना रिसोर्सेज नहीं था, उन लोगों को इतना एडवांटेज नहीं मिलता था, वो मार्केटिंग करने के लिए भी जाते थे तो। अरे बात समझ में, अगर उनकी इच्छा करे, सपोज करो ठीक है ना कि हम में से किसी की इच्छा की, चलो इसको ना विजुलाइज करना है और समझने की इच्छा करना है, ठीक है, कोशिश करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो सपोज करो कि आप मार्केटिंग करने गए, आप जो चाहते थे प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी का लेने का, आपका कलर की स्किन क्या है, ब्लैक है, अब ये नहीं समझना है सर मेरा तो है ही नहीं, ठीक है ना, बस इसको हम लोग को समझना है, ठीक है, ये क्या सर आप तो मेरे कलर का स्किन ही बताने लगे कि ब्लैक है कि व्हाइट है, ऐसा नहीं है, जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और बाय द मीडियम ऑफ दैट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ओके, तो वो प्रोडक्ट्स को मन किया आपको लेने का, ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है या अच्छे क्वालिटी का वो अवेलेबल नहीं है, जो कि जो व्हाइट प्लेस जो व्हाइट वाले लोगों का है मार्केट वहाँ पे वो अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाकर उसको ना परचेज नहीं कर सकते हो, उसको आप परचेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपका रोल नहीं है, अगर आप ऐसा करने जाते हो तो आप पर क्या किया जाएगा कि इसके लिए आपको हो सके कि वो लोग जेल में डाल दें या आपको कोई सजा दे दें, ऐसा कुछ था, अरे बात समझ में, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन था कि आप इस जगह पे जा सकते हो, इससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो, जहाँ पे इवन अगर ब्लैक लोग को वर्क करना है व्हाइट पीपल के साथ तो उनके लिए एक परमिट पास होता था, ठीक है, अगर वो परमिट पास हो जाता था, उन लोगों का अलाउ हो जाता था, हाँ, जैसे इंडिया में ब्रिटिश इंडिया के साथ करते थे, राइट अमन, हाँ, बट यहाँ पे क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, वहां पे क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, मेरी बात को समझ लो, ठीक है, और वहां के नेटिव कौन थे, वहां के साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग कौन थे, तो ब्लैक पीपल, ब्लैक स्किन पीपल, अरे बात समझ में, बट उन्हीं लोगों पे ऐसा क्या किया जाता था, उनके साथ अत्याचार किया जाता था, अरे बात समझ में ना, तो अब समझना, ठीक है, तो अगर उन लोगों को जॉब भी करना रहता था तो पहले उन लोगों का अलाउ होता था, परमिट मिलता था, ठीक है, अब वो जब अलाउ हो जाता था तो उसके बाद वो लोग व्हाइट पीपल के साथ कुछ ही लोग वर्क करते थे जिनको अलाउ किया गया है, ठीक है ना, व्हाइट पीपल के द्वारा, ओके एवरीवन, तो ये सब काफी ज्यादा प्रॉब्लम था अपार्टेड में, जिसके कारण क्या होते जा रहा था ना कि दूसरे कंट्री के लोग भी, ठीक, इवन दूसरे कंट्री के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे कि हमारे होते हैं ना प्रेसिडेंट, पीएम, ये सब, वो भी क्या किया ना कि इसका बायकॉट किया और रिलेशन साउथ अफ्रीका से इतना चलाना बंद कर दिए थे, और यही कारण था कि जब ब्लैक प्रेसिडेंट बने, जैसे ही गेट रिड ऑफ हुआ, छुटकारा मिला वहां के लोगों को ये अपार्थिड रूल से, उसके बाद 140 कंट्रीज के अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना, 140 कंट्रीज के लोग आए थे, ठीक है ना, पार्टिसिपेट किए थे इनॉग्रेशन, जब स्वेरिंग सेरेमनी था, ठीक है ना, नेल्सन मंडेला का, तो गेटिंग एवरीवन, तो क्या ये आप लोगों को समरी कुछ समझ में आ रहा है जो मैंने बताया, बेसिक अबाउट अपार्थिड, got it everyone, yes, सभी को समझ में आया, did you understand about it or not, Mr. very good, yes sir, so देखिए basically ये chapter जो है ना ये story type का नहीं है, so first of all ये क्या करेगा ना, round and round बात करेगा, कहीं भी बताएगा आपको, ठीक है, wearing मतलब swearing ceremony के बारे में बताएगा, अरे बात समझ में ना, उसके बाद क्या होगा, inauguration पे फिर जाएंगे, थोड़ी देर के बाद दिखाएगा ये क्या होता है, कि कैसे ये रूल रेगुलेशन अपार्टिड जो हुआ एस्टेब्लिश हुआ साउथ अफ्रीका में, इसके बारे में बताएगा, तो बेसिकली आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके सारे पॉइंट को रिमेम्बर करना है, और वो एक बार में कंप्लीट होने वाला नहीं है, आपको इसके लिए फॉर द सेक ऑफ दैट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एटलीस्ट ट्वाइस एंड थ्री टाइम, ठीक है ना, दो तीन बार इस चैप्टर को थ्रोली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, राइट एवरीवन, गेट इट,
So now we are just going to start that chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Okay, people, you know very well about that. It is an autobiography written by Nelson Mandela, and it was published in 1994. ये published कब हुआ? तो 1994 में first time ये published हुआ था. Okay, everyone, and it is excerpt part of this autobiography. और ये जो part है, ये छोटा सा part हम लोग पढ़ेंगे, जिसका जिक्र वो अपने Long Walk to Freedom, ठीक है ना, autobiography में किए थे, उसी का हम लोग एक छोटा सा part इस chapter में पढ़ने जा रहे हैं. ओके और ये मालूम चलेगा कि किस तरीके से इन लोगों ने वहां पे हार्ड वर्क किया, डिटर्मिनेशन था उन लोगों का, ये जाकर ये जो एबॉलिश किया ये अपार्टाइड सिस्टम को. गेटिंग एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है? से यस और नो? यस सर, गेटिंग. ओके, everyone has to speak. Aman, very good. Aman, Ankit, so waiting for all reply guys. Shubham bhai, matra 3 se 4 logo ne kiya. Amrit, very good. Amrit, Akhilesh, very good. Chaliye ab start karte hain. Before you read, padhne se pehle aap samajhte hain जो कुछ मैंने बताया है ना, यही इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. अपार्टाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. जैसा कि मैंने बताया, अपार्टाइड क्या था? एक पॉलिटिकल सिस्टम था, एक पॉलिटिकल के द्वारा ना, वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के लीडर्स के द्वारा दिया गया एक रूल रेगुलेशन था, जो कि लोगों के बीच में क्या करता था, सेपरेट्स, अलग करता था लोगों को. किस बेसिस पे? तो उनके स्किन के कलर के बेसिस पे गाइज. ओके, ओके, सारी बात समझ में यहां तक? कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या बता सकते हैं इनमें से कौन सा वो कंट्री है जहां पे ये था कुछ सालों पहले तक? ये तो साउथ अफ्रीका है, वी नो वेरी वेल अबाउट दैट, ठीक है ना. चलो, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या कभी आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उनके जो पार्टी था, उनके पार्टी का नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम लोग एएनसी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टाइड. जिन्होंने क्या किया, इनके क्या बोलते हैं, ठीक है, इनका जो पार्टी था क्या था, वो एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने क्या किया, अगेंस्ट लड़ा, ठीक है ना, अपार्टाइड के पूरा लाइफ टाइम बोल सकते हो, बहुत दिनों तक क्या किया उन्होंने, इसके अगेंस्ट में लड़ा, और आखिरकार एट लास्ट उन लोगों को क्या मिलता है, दे सक्सेड, उन लोगों को सफलता मिलती है, और अपार्टाइड क्या होता है, एबॉलिश्ड हो जाता है यहाँ से. चलिए, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन. और इसके लिए मंडेला को कितने सालों तक प्रिजन में रहना था, जेल में, जानते हो, 30 इयर्स. क्यों रहना था? क्योंकि बेसिकली आप जानते हो, जैसे कि अभी आप ही ने एग्जाम्पल दिया इंडिया के बारे में, तो आप जानते हो भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको क्या किया गया था, प्रिजन में, जेल में रख गया था ना, देशद्रोही समझकर, देशद्रोही बोलकर ब्रिटिश ने रख दिया था. तो वैसे ही वहां पर जब इन्होंने अपने वॉइस रेज किया अगेंस्ट अपार्टाइड, तो इन्होंने क्या बोला ना, एक देश के खिलाफ है. ओके, इट इज अगेंस्ट ऑफ कंट्री. ओके, और ये बोलकर इनको कितने साल की सजा कर दी, 30 साल की. बट फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. लेकिन क्या होता है, अंततः 1994 में एक डेमोक्रेटिक होता है, इलेक्शन होता है 1994 में, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. और मंडेला क्या बोलते हैं, एक नए राष्ट्र के, ठीक है ना, पहले साउथ अफ्रीका में आप बोल सकते हो क्या बनते हैं वो, ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं. ओके एवरीवन, क्या बनते हैं वो, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं. इससे पहले कौन थे, ओनली व्हाइट पीपल वर द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर 3 सेंचुरीज, ठीक है ना, 300 सालों से. आगे बात समझ में ना, राज्य कौन करते थे वहां पे, व्हाइट पीपल. गेटिंग एवरीवन? चलिए, तो ये तो था पार्ट इसका. इन दिस एक्सट्रैक्ट फॉर्म इज ऑटोबायोग्राफी. जैसे मैंने बताया कि एक्सट्रैक्ट मतलब होता है भाग, कहां से लिया गया है, उनके ऑटोबायोग्राफी से. ओके एवरीवन, ये जो पार्ट है ये कहां से लिया गया है, ऑटोबायोग्राफी से, ठीक है ना. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका नेम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम.
मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन में होता है उद्घाटन. जब उनका स्वेरिंग सेरेमनी होने जा रहा था तो वो स्टार्टिंग हो रहा था ना. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी. किस प्रकार का वो ओकेजन होगा, समारोह होगा, क्या आप इसके बारे में गेस कर सकते हो. चेक योर गेस विद द न्यूज आइटम ऑफ बीबीसी ऑफ 10 May 1994. तो अब बता रहे ना कि आप जो भी गेस किए होंगे, ठीक है ना, आप गेस करो कि कैसा उनका इनॉग्रेशन होगा. क्या वहां के लोग काफी ज्यादा खुश होंगे या रो रहे होंगे कि नहीं या पार्टी था तो बढ़िया था, ठीक है ना. आप गेस करो, आपका थिंकिंग क्या है. एंड टेक्स्ट द मैसेज गाइस, आई एम वेटिंग फॉर दैट. मैं इंतजार कर रहा हूँ. ओके ओके एवरीवन, चलो मैसेज करो तो आप लोग. मैसेज कीजिए आप लोग. वेट कर रहा हूँ किसका पहला मैसेज आएगा. यस सर, हैप्पी थे भाई. यस सर, ओके, ओनली टू गाइस. यस सर, सॉरी गाइस, अपार्टमेंट वाज नॉट गुड. ओके, वेरी गुड अंकित. नेक्स्ट तो चलो बेसिकली अब यहाँ पे फोकस करो आप लोग. आप सभी देखो तो ये जो था ना, इसके बारे में जैसे कि हमारे यहाँ भी आर्टिकल छपता है ना, पब्लिश होता है न्यूज़पेपर में, होता है कि नहीं होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में. वहां पे उनका क्या था, तो बीबीसी था. हमारी बात समझ में ना, बीबीसी था. उसमें 10 May 1994 में आर्टिकल पब्लिश हुआ था और उसमें देखिए किस तरीके से बताया गया है इनॉग्रेशन के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ एंड अंडरस्टैंड, ठीक है ना. सो पढ़ते हैं और उसको देखते हैं. देखो मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. जैसे मैंने आपको बताया था ना, हेडलाइन होता है, उस न्यूज़पेपर का यही हेडलाइन था. और मैंने क्या बताया था कि हेडलाइन हमेशा किस टेंस में होता है, बताओ तो आप सभी. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइस. हेडलाइन न्यूज़पेपर का किस टेंस में होता है, यू हैव टू स्पीक अबाउट इट. शुभम टेल मी, बताइए. शुभम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वेरी गुड. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वेरी गुड. देखो यहाँ पे मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है ना. फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, तो मंडेला बनते हैं. ओके, अब चलिए देखते हैं इसको. चलिए ये न्यूज़पेपर का पार्ट को पढ़ते हैं हम लोग. नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल. देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आफ्टर 3 centuries समझ में आ रहा है ना, 300 सालों तक व्हाइट रूल के बाद पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने, तो नेल्सन मंडेला बनते हैं. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीका नेशनल कांग्रेस एएनसी पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, ठीक है ना. और जो इनका पार्टी होता है, ठीक है ना, क्या नेल्सन मंडेला का कौन सा पार्टी होता है, उसका नेम क्या है, एएनसी. मैंने बताया था यू हैव टू स्पीक द नेम ऑफ दैट पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और कितना सीट मिलता है इसको, यू हैव टू रिमेम्बर दैट डाटा गाइस. ओके, आप लोगों को ये डाटा को भी याद रखना है. ओके एवरीवन, तो 252 सीट मिलता है आउट ऑफ 400 में. और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा होता है कि इट मींस ब्लैक कलर के लोग, ठीक है, समझ में ना, पहले प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टूक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे. अब बताया जा रहा है ये कहाँ पे होने जा रहा है, आज जो इनॉग्रेशन होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है, जहाँ पे ये ओकेजन होगा वो कहाँ पे हो रहा है, तो प्रिटोरिया में हो रहा है. एम्फीथिएटर मींस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीथिएटर. एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीथिएटर गाइस. I have to hear from you guys.
बताइए मेरे को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पी थिएटर लार्ज ओपन थिएटर नॉट लाइक दैट द सेम आप एक बड़ा सा फील्ड देखते हो ना जो विदाउट रूफ का होता है जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि हम क्रिकेट मैच देखते हैं ना और क्या होता है उसके चारों तरफ स्टेयर टाइप्स का बनाया रहता है कि नहीं बनाया रहता है जिसको पब्लिक बैठ कर देखते हैं मैच को या फुटबॉल मैच को देखते हो ना उसमें दिखाया जाता है ना यस और नो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट एम्पी थिएटर इज अ लार्ज ओपन एरियाज यस तो लार्ज ओपन एरिया वही तो मैं बता रहा हूँ तो आप देखते हो ना उसका जो पब्लिक एरिया होता है जहाँ पे वो लोग बैठते हैं तो वो क्या होता है स्टेयर टाइप का रहता है ना और वो बड़ा सीढ़ीनुमा टाइप का छोटा फिर उससे ऊपर थोड़ा बड़ा फिर उससे ऊपर थोड़ा बड़ा यस और नो गाइस समझ में आ रही है मेरी बात टेक्स्ट द मैसेज यस और नो अंकित यस सर मिस्टर यस सर ओनली टू गाइस आर मैसेजिंग लाइक अ स्टेडियम यस अखिलेश ठीक है तो बड़े से ठीक है ना फील्ड में ये जो क्या होने वाला था ओकेजन होने वाला था आज कहाँ पे तो प्रिटोरिया में अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड और जैसे मैंने बताया कि क्या बताया कि ये जो इसमें अटेंड करने जा रहे हैं 140 कंट्रीज ठीक है ना छे जो पॉलिटिशियंस है और गणमान्य लोग डिग्निटरीज में होता है ना गणमान्य लोग अरे बात समझ में तो ये लोग क्या करने जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और वो भी वेयरिंग जो सेरेमनी होने जा रहा है स्वेयरिंग सेरेमनी ठीक है ना तो उसमें ये लोग भी क्या करने जा रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं अरे बात समझ में मैंने इससे पहले बताया था ना कि क्या हुआ था कि ये लोग दूसरे जो नेशन के लोग थे जो पॉलिटिशियंस थे वो लोग अगेंस्ट थे पार्टी को और इसको लेके वो क्या थे बायकॉट कर रहे थे अच्छा रिलेशन उनका साउथ अफ्रीका के साथ नहीं था ओके बट जब फर्स्ट टाइम ये क्या हुआ एबोलिश हो गया ये हट गया उसके बाद क्या होता है कि 140 कंट्रीज के पॉलिटिशियन जो होते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं डिग्निटरीज होते हैं वो क्या करते हैं इस इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और क्या है उसके आगे देखो उस पेपर के आर्टिकल में क्या लिखा गया था नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ बाई One by another said Nelson Mandela in his address. अब देखो जब Nelson Mandela आते हैं speech देने के लिए ठीक है ना तो वो क्या बोलते हैं कि never again will this beautiful land मतलब ये खूबसूरत सी land ये खूबसूरत सी धरती ठीक है ना कभी भी फिर से जो apartheid type का system था जिससे एक लोग दूसरे को क्या करते थे सप्रेस करते थे दबाते थे इंफीरियर फील करवाते थे अपने आप को सुपीरियर फील करते थे उन लोगों को इंफीरियर देखते थे अब ऐसा कभी भी इस कंट्री पे नहीं होगा कि ऐसा लोग करेंगे और होने जा रहे हैं मीन्स ये टोटली क्या हो गया रिमूव हो गया एबोलिश हो गया अब ये जो है साउथ अफ्रीका एक नए नेशन का क्या हो रहा है स्टार्टिंग हो रहा है और यहाँ पे जो लोग होंगे काफी ज्यादा इक्वलिटी के साथ हैप्पीनेस के साथ और मिलजुल कर वर्क करेंगे और हमारे कंट्री को प्रोग्रेस करवाएंगे आ रही बात मेरी समझ में गेटिंग एवरीवन अब देखो जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स व्हाइट्स एंड कलर सेलिब्रेटिंग टुगेदर मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन विमेन And children of all races sang and danced with joy. अब ये बता दें काफी ज्यादा क्या था वहाँ के स्ट्रीट में वहाँ का जो रास्ता था वहाँ पे जो लोग आए थे देखने के लिए काफी ज्यादा क्या थे खुश थे हैप्पीनेस फील कर रहे थे ये रूल से व्हाइट लोग भी जब वहाँ के व्हाइट लोग भी थे काफी ज्यादा खुश थे ऐसा नहीं था केवल ब्लैक लोग ही खुश थे वहाँ के व्हाइट लोग भी खुश थे और सभी लोग एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं ना काफी खुश होकर इस रूल को सेलिब्रेट कर रहे हैं ये नए विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं नए नेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं बनते हुए देखकर ठीक है ना और वो लोग क्या कर रहे हैं साथ में क्या कर रहे हैं डांस कर रहे हैं और सेंग कर रहे हैं बात देखेंगे उन्होंने क्या सेंग किया क्या गाया ठीक है और खुश है तो ये समझ में आया ये आर्टिकल जो लिखा हुआ है क्या आर्टिकल अच्छे तरीके से समझ में आया जो बीबीसी में क्या हुआ था पब्लिश हुआ था इज देयर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस इन दिस आर्टिकल टेल मी फास्टली इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम मिस्टर यस सर नो अमर नो एवरीवन इज सेइंग नो गुड नो प्रॉब्लम सर वेरी गुड मिस्टर
ओके नाउ समझ में आ गया। अब देखो स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं काम की बात पे। अब देखो बेसिकली जो हमारा चैप्टर है यहाँ से आप देखोगे कि स्टार्टिंग हो रहा है, और जो हमने बीबीसी के बारे में पढ़ा ना, आप यहाँ से पॉइंट ले सकते हैं ना, ये समरी में बता दिया, ठीक है ना, ये समरी था ज्यादा जो सारा कुछ जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट वॉज अ पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। ओके एवरीवन, हमारी बात सभी को समझ में। अब देखो टेंथ में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, अब देखो टेंथ में क्यों बताया जा रहा है कि क्या होता है, एकदम ब्राइट था, क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली मिसाज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। अब देखो जो इनॉग्रेशन था ना, उससे पहले ही से, जैसे कि आप जनरली जानते हो हमारे यहाँ भी क्या होता है, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर हमारे इलेक्शन को विन कर जाते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज के लोग क्या करते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देना स्टार्ट कर देते हैं उसी दिन से, ठीक है ना। आफ्टर इलेक्शन जैसे ही वो लोग जीत जाते हैं, विक्ट्री मिल जाता है, उसके बाद उन लोगों के पास क्या आ जाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का ये पॉलिसी रहता है कि वो क्या करते हैं, उनको उनके साथ अपना फ्रेंडली बिहेवियर बनाने के लिए वो क्या करते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अरे बात समझ में ना, तो वही यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि इस साइड में चारों तरफ से घिरे हुए, ठीक है ना, क्लोजली कॉल भी आता होगा उनके पास, ठीक है, और सभी लोग क्या कर रहे थे, इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये इनॉग्रेशन था, ये जो उद्घाटन था जिसमें ये लोग, ठीक है ना, सभी लोग गए थे, ठीक है, सॉरी, ये लोगों का जो पार्टिसिपेट किए थे, ये लोग जो इन लोगों को इलेक्ट किया जाना था, वहां पे जाकर स्वेरिंग सेरेमनी था इन लोगों का। तो ये क्या था, सबसे ज्यादा क्या था, अफ्रीकन सॉइल पर अब तक का सबसे बड़ा क्या था, ये गैदरिंग, यहाँ के मतलब कि दूसरे दूसरे कंट्री के गणमान्य लोग भी आए थे। और जैसे कि आप जानते हो कि इस बार का जो सिस्टम था सभी के लिए इक्वली था, तो यहाँ पर ब्लैक पीपल भी, व्हाइट पीपल भी और कलर्ड वाले पीपल भी क्या किए थे, एक साथ सभी लोग गैदर्ड थे। तो इसलिए ना ये साउथ अफ्रीकन सॉइल पर, ठीक है ना, यानी साउथ अफ्रीका की धरती पर ये सबसे ज्यादा क्या था, लोगों का इकट्ठा होने वाला ओकेजन था जिसमें बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवलीस्ट सैंडस्टॉर्म एम्पीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। जैसे मैंने आपको बताया एम्पीथिएटर के बारे में, ये कहाँ पे होने वाला था, जो सैंड स्टोन्स, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे कलर के सैंड स्टोन्स थे, ठीक है ना, जिससे बना हुआ था ये, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, उसी की चर्चा की गई है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में, यहीं पे ये ओकेजन हो रहा था। फॉर द डेकेड्स, ठीक है, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ठीक है ना। अब देखो सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है ना, जिसका अधिकार होता है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि बहुत दशकों से ये क्या था, ये जो सीट था, देखो फोर डेकेड्स दिस हैड बीन, देख रहे हो ना, फोर डेकेड्स, यहाँ पे भी सेंटेंस किसमें है, सेंटेंस आपका किसमें है, ये किसमें है बताइए, कंटिन्यूअस में है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, देख रहे हो ना। तो फोर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये क्या था, बहुत दशकों से ये जो था, ये जो सीट था जो प्रेसिडेंट का, वो किसका था, केवल तो वाइट गोरे लोगों का इस पर अधिकार था। And now it was the seat of a rainbow gathering of different colors and a nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब ये बताया जा रहा है ना, ये उन सभी लोगों का सीट है जो यहाँ पे ना different different color के लोग हैं, white हैं, black हैं, blue हैं, सभी का, जो एक नए democratic country का non-racial government का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका starting कर रहे हैं। Getting everyone? क्या सभी कोई को यहाँ तक के सेंटेंस में समझ में आया, गवर्नमेंट तक? यस सर, गेटिंग वेरी गुड। ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब देखो ऑटम डे क्यों बोला गया है, समझना इस बात को यहाँ पे। ऑटम डे आप जनरली जानते हो ना, ये काफी क्या रहता है, उस नमा वो मौसम रहता है, उसकी बात की जाती है। और ऐसे भी अगर इसको देखा जाए तो क्या होता है, हैप्पीएस्ट मोमेंट को बताता है, हरी बात समझ में ना, कुछ ऑस्पिशियस मोमेंट को बताता है, इसलिए यहाँ पे इस लवली ऑटम डे का यूज किया गया है। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, मतलब वो बताएं किसके साथ थे, किसके साथ थे वो, तो अपनी डॉटर जेनानी के साथ थे। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वॉज फर्स्ट
sworn as second deputy president. और सबसे पहले किसने sworn किया गया, किसने शपथ लिया, किसने शपथ लिया? That it was Dave Clark. वो कौन थे? Dave Clark थे और ये second deputy क्या बने? President बने. Okay everyone. Then इसके पश्चात तत्पश्चात देखो first deputy CM, the first deputy president कौन बनता है इसके बारे में देखते हैं. Then ये आपके नेल्सन मंडेला जी, राइट एवरीवन, ठीक है ना, इनको नमन, सत सत नमन. क्या इन्होंने इतना अच्छा वर्क किया अपने कंट्री के लिए, आज भी ना इनके डेथ के बाद. यस सर, नमन, सत सत नमन. चलिए अब देखो सबको Thabo Mebke was sworn in as first deputy president. Aditi, maybe your side there is a problem in internet. आपके side हो सकता है कि network में कोई problem है. Okay, इसी कारण से voice lag कर रहा है. Otherwise सभी को clearly मैं voice सुनाई दे रहा है. Right everyone? आपका भी आज थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम है. मिस्टर सेंगर सर, यू आर ऑडिबल. ओके चलो देखते हैं अब आगे. थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम है. ओके गाइस, नाउ सी हियर, यहां पे देखिए आप लोग, ठीक है. आज दोनों क्लास में मैंने सेम पढ़ाया है. ओके तो अगर मैं देख लूंगा जिसमें वॉइस कम लैग करे मैं उसको अपलोड कर दूंगा. ओके एवरीवन, आप लोगों को इस चैप्टर को दो तीन बार रीड करना पड़ेगा. अरे ये बात समझ में ना, बिकॉज ये दूसरे चैप्टर की तरह इतना इंटरेस्टिंग नहीं है. ये स्टोरी टाइप का नहीं है कि एकदम दिमाग में बैठ जाएगा. राइट ओके चलिए, ये हिस्ट्री है. अच्छा हिस्ट्री तो और अच्छे से याद हो जाना चाहिए. राइट अमन, सही कहा ना मैंने? चलिए एक बार देखिए आप लोग, जितना कुछ भी मैंने पढ़ाया उसमें कहीं पे भी कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? थाबो मेबकी को. ओके एवरीवन, व्हेन इट वाज माय टर्न, अब ये बता रहे हैं नेल्सन मंडेला की जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माइसेल्फ टू द वेलबीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. अब उन्होंने जब उनकी बारी आए तो वो भी क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, ठीक है, और इस रिपब्लिक के प्रति, इस देश के प्रति और यहाँ के लोगों के प्रति, ठीक है ना, मैं काफी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से और अपने शरीर को, अपने आप को समर्पित करता हूँ और काफी ऑनेस्टी से मैं यहाँ पे वर्क करूंगा. टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, देखो असेंबल जब बारी आया उनका, जो यहाँ पे डिग्निटरीज आए थे, ठीक है ना, पॉलिटिशियंस आए थे, उनको क्या करना, आह्वान करना, उनको रिस्पेक्ट देना, थैंक यू करना, और जो वाचिंग यानी कि मैक्सिमम सभी तो नहीं आए थे, कुछ लोग तो टेलीविजन पे भी टेलीकास्ट होता है ना न्यूज, तो उस पर देखते हैं, ठीक है. वाचिंग वर्ल्ड, यहाँ पे इसी के लिए वाचिंग वर्ल्ड का यूज किया है, मतलब कि जो दुनिया के लोग, जो कुछ, जो कोई भी मुझे अभी देख रहा है, ठीक है ना, उन्होंने बोला I said, today all of us do by our presence here confer glory. Confer भी होता है ना, confer यही जो एक word है, formal word है, इसका meaning होता है give. यहाँ पे हम लोग इसका meaning क्या use करेंगे, give. Today all of us do by our presence here confer glory and hope to new born liberty. ठीक है ना, उन्होंने बताया, ठीक है ना, उन्होंने कहा, ठीक है कि आप सभी कोई जो यहाँ पे उपस्थित है, present है, आपने देखा कि हमें क्या मिली है ना, एक जीत मिल चुकी है, ठीक है ना, और एक
आशा की किरण जगी है, ठीक है, न्यू बर्न हुआ है लिबर्टी का, अरे बात समझ में। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब देखो उन्होंने क्या बोला, इस सेंटेंस को समझना। आउट ऑफ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो उन्होंने जो ये अपार्थिव था ना उसको क्या बोला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ठीक है ना, आपदा बोला, ठीक है, जिससे लोग काफी ज्यादा क्या थे, सफर फील कर रहे थे कि इसके बाद जो कि काफी दिनों तक चला, ठीक है ना, जो काफी दिनों तक चला, आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। मतलब ये जो अपार्टी सिस्टम था, जो ये बहुत ही बड़ा हम बोल सकते हैं तरीके का ये आपदा था जिससे सभी लोग क्या थे, ग्रसित थे, ठीक है ना, इसके बाद एक ऐसे सोसाइटी का यहाँ पे स्टार्टिंग होना चाहिए, बॉर्न मतलब कि जन्म होना चाहिए, इनसे स्टार्टिंग ही स्टार्टिंग होना चाहिए जिसके बाद ना सभी लोग क्या फील करें, यहाँ के ह्यूमन, यहाँ के लोग जो है ना अपने आप पे फील करें कि हम साउथ अफ्रीका के हैं और यहाँ के लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं इन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो वैसा हम लोगों को नेशन बनाना है। ओके एवरीवन, इनका ये क्या था, स्टेटमेंट था और इनका ये था थिंकिंग था। अब देखो तो जो भी जनरली होता है ना, आप भी देखे होंगे कि मोदी जी जब फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि जो अब उन्होंने ये स्वेयरिंग सेरेमनी था उनका, उनके बाद उन्होंने जब बोलना स्टार्ट किया तो उन्होंने बहुत कुछ बोला, देखा ना कि मैं ये करवाऊंगा, यहाँ पर सारे करप्शन को खत्म करवा दूंगा, तो कितना ज्यादा दिलासा दिलाता है, ठीक है, अरे बस समझे ना। तो ऐसे ही ये भी यहाँ पे अपनी बातों को रख रहे थे, अरे बस समझ में, यहाँ पे मैं मोदी जी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ। ओके एवरीवन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे आपने सुना होगा, एज यू हैव हर्ड दैट, यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस आल्सो, आप भी इस सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। स्वेयरिंग सेरेमनी होता है उसके बाद देखते हो ना वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि मैं ये वर्क करूंगा, इस पे मैं वर्क करूंगा, आप लोग अब देखिएगा एक नए राष्ट्र का हम लोग निर्माण करेंगे। जैसे मोदी जी ने बोला कि यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा जॉब दूंगा, यहाँ के लोग जो जॉब से सफर करते हैं, ग्रसित हैं, उनके पास अपना जॉब होगा, वो अच्छे तरीके से रहेंगे, जो भी काला धन है विदेश में मैं उसको लेके आऊंगा, ऐसा सेंटेंस उन्होंने बोला था कि नहीं बोला था। तो यहाँ पे भी इन्होंने भी अपना एक्सपेक्टेशन दिखाया, इन्होंने ऐसा तो नहीं बोला, बट इन्होंने बोला ये जो बहुत बड़ा एक ह्यूमन डिजास्टर था, इसके बाद हम लोग एक ऐसे कंट्री का बॉन्ड करेंगे, निर्माण करेंगे कि जिसके बाद यहाँ के लोग जो है प्राउड फील करेंगे अपने आप के। We who were outlaws. अब देखो outlaws का मीनिंग कौन बताएगा मेरे को? Outlaws. Anyone guys tell me the meaning of outlaws? Tell me. Outlaws का मीनिंग समझाइए आप लोग। Deprived का मिस्ट्री आपने deprived लिखा है। First of all, you have to make me understand the meaning of deprived. इसका बताइए। Treated as second class human being. आप बोल सकते हैं ना outlaws, यहाँ पे आप racial discrimination बोल सकते हो। अपूर्वा you are right. But directly आप क्या बोल सकते हो ना, racial discrimination. ओके, नॉट अपराधियों, अखिलेश यहाँ पे मीनिंग नहीं देगा आपका, अरे बात समझ में। देखो वी हम लोग हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड On our own soil. Okay, अब देखो बता रहे हैं कि कुछ सालों पहले, नॉट ज्यादा दिन, मतलब ज्यादा दिन पहले नहीं, कुछ साल पहले तक हम लोग क्या थे, रेसियल डिस्क्रिमिनेशन में थे, ठीक है ना, काफी ज्यादा भेदभाव था, बट यहाँ के लोगों ने हमें क्या दिया है, रियल प्रिविलेज दिया है, मतलब हम लोग को चांस मिला है टू बी होस्ट द नेशन, मतलब क्या करने का, नेतृत्व करने का, ठीक है ना,
अपने ही धरती पर अपने ही जमीन पे एंड वी थैंक, इसके लिए हम लोग क्या है सहृदय से साधुवाद करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो जब इन्होंने बताया कि इन्हें रियल चांस मिला, ठीक है ना, बहुत दिनों तक पहले क्या था तो रेसियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसके बाद इन लोगों को क्या मिलता है ना, काफी मुशक्कत के बाद, काफी मेहनत के बाद, वही इन्होंने बोला रेयर प्रिविलेज, आई रस में ना कि हम लोगों को चांस मिला वाइट पीपल को, आउटलॉज मैंने अभी बताया वही रेसियल डिस्क्रिमिनेशन अमन, ओके मैंने अभी बताया, ठीक है, तो जो हमें मिला है, ठीक है ना, हमारे ही धरती पर, ठीक है, यानी अफ्रीकन का जो ब्लैक जो वहां के नेटिव थे वो कौन थे, तो ब्लैक कलर ऑफ द पीपल, ठीक है ना, जो इनका स्किन क्या था ब्लैक। अब देखो, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अब देखो समझो, अब उसके बाद ये क्या बोलते हैं, वहां पे जितने भी डिग्नेटरीज थे, गेस्ट आए हुए थे, उनके बारे में बोलते हैं, ओके, उनके बारे में क्या बोलते हैं, उनके बारे में बोलते हैं कि सभी को क्या है धन्यवाद है कि आप सभी ने अपना समय दिया, आप यहाँ पर आए और हमारे लोगों के साथ आपने क्या किया, रूबरू हुए और पार्टिसिपेट किया उसके लिए, और बोलते हैं आखिरकार ये जो जीत है आफ्टर ऑल मीन्स क्या होता है, आखिरकार ये जीत है जो ये कॉमन विक्ट्री है सभी के लिए, यानी ये जो जीत है ये सभी के लिए जीत है, सभी के लिए न्याय है, सभी के लिए क्या है अब शांति है, ठीक है ना, और क्या है ह्यूमन के लिए क्या है डिग्निटी है, अब सभी लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, डिग्निटी के साथ यानी कि अपने मान स्वाभिमान के साथ रह सकते हैं, इधर यू आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक और व्हाइट पीपल, यानी आप काले लोगों के बारे में बात करें या व्हाइट पीपल के बारे में बात करें, सभी लोग अब क्या कर सकते हैं डिग्निटी के साथ अपने, ठीक है ना, स्वाभिमान के साथ रह सकते हैं, पहले जो नहीं था, अरे बात समझ में ना, पहले था ना कि तुम ब्लैक है तुम इस जगह पे आएगा, परमिशन लिया है, परमिशन भी नहीं, कुछ जगह के लिए परमिशन था, वो भी काम करवाने के लिए परमिशन, और कहीं पे अगर आपको मन करे कि जाकर आप भी मूवी देख ले, ठीक है ना, उनके बगल में बैठ के वो क्या करते थे भगा देते थे, ठीक है ना, उठा के फेंक देते थे, अरे बात समझ में ना, इतना स्टार्ट कर देते थे, आप सिंपल से अगर आपको मूवी भी देखने का मन करेगा तो आप पीछे के एक साइड कॉर्नर में, ठीक है, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है वहां पर बैठ के देख सकते हैं, अगर आपका भी मन और इच्छा करे कि आगे की सीट पर जहाँ पे एसी लगा हुआ है, काफी अच्छा हवा आ रहा है, साइड में पॉपकॉर्न है, ठीक है ना, खाए और आराम से मूवी देख रहे हैं, तो वैसे नहीं, अच्छा ब्लैक उठाओ इसको, उठाकर फेंक दो, राइट एवरीवन, आज समझ में। अब क्या था, सभी लोग ह्यूमन डिग्निटी के साथ, यानी हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है इस एग्जांपल के हेल्प से, तो उनके पास भी अब क्या था कि हाँ अब हम भी देखेंगे तुम्हारे बगल में बैठ के, अरे बात समझ में ना, वो भी या मेरे को सेम इक्वलिटी मिला है, मतलब अब मेरे पास क्या है इतना मान है स्वाभिमान है कि मैं आपके बगल में ब्लैक कलर का पीपल भी बैठ सकता है, से यस और नो गाइस, वेरी गुड, We have at last achieved our political emancipation. देखो emancipation means क्या होता है, freedom from restriction. पहले जो क्या था ना restriction था, उससे क्या मिल गया आजादी, मतलब कहीं जाने पे रोक था, तो अब रोक नहीं, अब जा सकते हो, यानी कि आजादी मिल गया, उसी को क्या बोलते हैं emancipation बोलते हैं, समझ में आया ना, emancipation, आ गई बात समझ में, freedom from restriction, मतलब कहीं घूमो कहीं जाओ कहीं रहो, किसी के साथ वर्क करो, ब्लैक के साथ वर्क करो, व्हाइट के साथ ब्लैक करो, कोई रोक टोक नहीं है, उसी का मतलब क्या होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंड दैट इज कॉल्ड इमेंसिपेशन गाइस, और ये समझ में ना, वो बोल रहे हैं वी हैव एट लास्ट, आखिरकार हम लोगों ने अचीव कर लिया, ठीक है ना, वो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, वी प्लेस आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूड बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी डेप्रिवेशन सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और वो बोलते हैं कि हम लोग कसम खाते हैं खुद से, ठीक है ना, कि क्या करेंगे हम लिबरेट रहेंगे, सभी के साथ उदार तरीके से रहेंगे, इक्वल तरीके से रहेंगे, और जो हमारा कंट्री है सफर कर रहा है पॉवर्टी से, गरीबी से,
ठीक है ना, डिप्रिवेशन से, और जो ये सफरिंग फ्रॉम जेंडर और डिस्क्रिमिनेशन, जो ये डिस्क्रिमिनेशन था ना भेदभाव से। अब देखो डिप्रिवेशन मीन्स क्या होता है ना, किसी का राइट नहीं मिलना। सपोज करो मैंने आपको एक सिंपल से एग्जांपल दिया कि अब क्या हो गया है कि आपका राइट है, आपका अधिकार है कि उनके बगल में भी बैठकर आप मूवी देख सकते हो। पहले वो अधिकार नहीं था। अरे बात समझ में ना, पहले कहीं पर जाने का, इस पार्टिकुलर प्लेस जहां पे केवल व्हाइट लोग जाते थे, वहां पे जाने का आपका अधिकार नहीं था। अरे बात समझ में ना, बट अब क्या हो गया, तो उसी को बोलते हैं, जब आपको राइट नहीं मिले ना, तो उसी को बोलते हैं क्या है, डिप्रिवेशन। समझ में आ रही बात ना, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट। जिसको क्या मिले, बेनिफिट नहीं मिलता है, उसके अधिकारों का बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी किसी के द्वारा वो क्या किया है, इट हैज बीन स्नैच्ड बाय समवन, किसी के द्वारा क्या किया है, स्नैच किया गया है, छीना गया है। अरे बस समझ में, ठीक है। तो ये सेंटेंस तक का मीनिंग सभी को समझ में आया, यहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन तक। टेल मी एवरीवन, ओनली फ्यू गाइज आर मैसेजिंग, रेस्ट क्या कर रहे हो आप सभी, यू हैव टू ऑल्सो स्पीक गाइज। अखिलेश और अंकित ओनली टू, चलो आप में से मैं किसी से पूछता हूं, मिस्टेक यस सर। चलिए बताइए, तो स्टार्टिंग से जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, अभी आपके पास बुक है सामने, यस सर? यस सर। चलो अब स्टार्टिंग से जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाया उसमें क्या, क्यों एक पॉइंट उसमें से उठाओ और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो जो कुछ अभी तक मैंने पढ़ाया, बताइए। तो यू हैव 5 मिनट, आपके पास 5 मिनट है। यस सर, शुरू में 10 में ही रहता है, उस दिन सारे लोग सम्मान के साथ इसमें यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में सब लोग आते हैं, वहां पे पहले नंबर पे फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनते हैं मिस्टर डी कलर्क और सेकंड बनते हैं थाबो एम्बेकी। स्टे माइक को नजदीक रख के बोलो, बिकॉज़ योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली, ओके, बहुत ही धीमी आ रहा है आवाज। यस सर, अब बोल गया। यस सर, उस दिन 10th मई रहता है, वहाँ सब लोग इकट्ठा रहते हैं और उसी दिन जो नेल्सन मंडेला है वो प्रेसिडेंट बनने वाले होते हैं। बताया था ना, यस सर, पहले मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है इसके बारे में भी मैंने बताया था आप सभी को। यस सर, यस सर, सेंटेंस को आप सभी को लिख लो, अगर आप लोगों को लिखना है, व्हिच आई एम टेलिंग गाइस, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एवरीवन हैज टू राइट इट फास्ट। Write it fast, guys. Can I speak? Can I speak, guys? Chale likhe, long walk to freedom. Long walk to freedom. Long Walk to Freedom is an autobiography written by South African President Nelson Mandela and was first published in 1994। क्या आप सभी ने लिखा है इसको, क्या आप सभी ने लिखा है गाइस? यस सर।
चलिए एक बार मैसेज कीजिए तो आप लोगों ने क्या लिखा है, टू सी दैट बोला। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। चलिए मिस्टर कंटिन्यू कीजिए अब आप। यस सर। आफ्टर दैट अपूर्वा विल स्पीक। सर फर्स्ट आपने अपार्टेड के बारे में बताया था कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, रंग की नीति। मैंने उसमें 3 पॉइंट्स को भी पुट किया था, वो भी बताना है आपको। चलो फिर से बताना, आप बताओ, आगे बताओ, पहले आप बताओ। यस सर, आपने अपार्टेड के बारे में बताया था जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। ये थ्री टाइप्स के लोगों के साथ होता है। पहले फर्स्ट व्हाइट लोग होते हैं, सेकंड ब्लैक, और थर्ड जो होते हैं व्हाइट लोगों के साथ होते हैं। होता है, मैंने बताया कि जनरली जो होता है ना कि स्किन के कलर, तो व्हाइट ब्लैक और क्या होता है, कलर्ड। कलर जो होते हैं नाइदर व्हाइट और नॉट ब्लैक, ना ही वो क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं और ना ही क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं। वो जनरली जो हम इंडियंस होते हैं ना उस कलर के होते हैं। अरे बात समझ में ना, तो यहाँ पर व्हाइट के साथ थोड़े सप्रेस किया जाता है। व्हाइट के साथ ये थोड़े था ऐसा कुछ रूल एंड रेगुलेशन, ये तो मात्र दो लोगों के साथ था, राइट मिस्टर? मात्र ये तो दो लोगों के साथ था ना, ये दो लोगों पे सारा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होता था और सभी को तो फ्रीडम था। व्हाइट लोगों के साथ कहां था, उन लोगों को तो एडवांटेज मिलता था। अरे बात समझ में ना? यस सर। बोलिए। उसके बाद बताया गया कि मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला, वो 30 इयर्स तक जेल में रहे थे, और उसके बाद जब वो 1994 के आसपास जेल से बाहर आए तो वो बनते हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये सब कुछ एक बीबीसी नाम का न्यूज़पेपर था, उसमें ये सब कुछ आता है, वो इनॉग्रेशन जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसके बारे में सब कुछ आता है। और उसमें लिखा रहता है कि इन्होंने 400 सीटों में से 252 सीट जीते थे, और ये पहला लोकतांत्रिक चुनाव था वहां का, साउथ अफ्रीका का, जिसमें इन्होंने जो जिसमें ये ब्लैक प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उसके बाद यहाँ पे 140 कंट्रीज के लोग, मतलब पूरे वर्ल्ड से आए थे इसमें शामिल होने के लिए, देखने के लिए। और यह बहुत ही मतलब अच्छा रहा, नेल्सन मंडेला बतलाते हैं, वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हुआ, उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगा, ऐसा यहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी की स्थापना हुई, सब अपने मन से काम कर सकते हैं। उसके बाद 10th मई की बात होती है, उस दिन की बात होती है, उस दिन सारे लोग इकट्ठा होते हैं, और यहाँ पे बताते हैं कि वो अपनी बेटी जिनानी के साथ रहते हैं। बहुत ही खुशनुमा दिन होता है, ऑटम डे होता है, और मंच पे फर्स्ट नंबर पे जाते हैं मिस्टर डी कलर, जो कि सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके बाद जाते हैं थाबो मेबेकी, जो कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके बाद इनकी बारी आती है, और ये शपथ लेते समय बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे वोट दिया, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो गई। उसके बाद वो बहुत कुछ बोलते हैं, सबकी तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे नए उदारवादी का जन्म हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद वो बताते हैं कि यहाँ पे अब न्याय होगा, यहाँ शांति रहेगी, यहाँ सभी को अब सम्मान मिलेगा। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से गरीबी हटाऊंगा, और ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है इसको पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, और ये जो किसी एक को अलग से राइट मिलता है वो नहीं रहेगा, यही सब कुछ बताते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं। और
यही सब। यही है, देखो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ओके, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। मतलब वो बोलते हैं नेवर 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 अगेन, मतलब नेवर, कभी भी नहीं और दोबारा, ठीक है ना, कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ की ये ब्यूटीफुल लैंड यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत धरती ये फिर से, ठीक है ना, अपार्थिड जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फिर से यहाँ पर, ठीक है ना, एस्टेब्लिश होगा। ये कभी भी ऐसा होने नहीं जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑपरेशन मतलब दबाव ला लेंगे, अपने आप को क्या सुपीरियर फील करेंगे और दूसरे को इनफीरियर, ठीक है ना, उन पे दबाव डालेंगे। अब ऐसा कभी होने नहीं जा रहा है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, ठीक है, लेट्स फ्रीडम डिजाइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब वो क्या बोलते हैं कि जो आजादी है, आजादी को शासन करने दो, गॉड गॉड ब्लेस अफ्रीका। ओके एवरीवन, अब देखो आपका क्या है ना, कुछ क्वेश्चन है विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कहाँ पे सेरेमनी हुआ, ठीक है ना। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन द इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, और आप बता सकते हो क्या कोई इंडिया में ऐसा पब्लिक प्लेस है जो सैंडस्टोन से बना हुआ है, तो आपको सर्च बताना है इसके बारे में। कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे, मैंने बताया था ना ऑटम डे डजंट मीन अबाउट द वेदर, ओके, ये ऑस्पिशियस डे था, क्या था, इसी के लिए ऑटम डे बोला गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है विच यू हैव टू कम्प्लीट गाइज, चलिए हम आगे देखते हैं। ओके, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन एवे एज अ स्पेक्टेकुलर, सॉरी, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन अवे एज अ स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। अब देखो होता क्या है ना, थोड़ी देर के बाद क्या करते हैं, अभी बता रहे थे जब उन्होंने स्पीच दी उसके बाद उसकी आगे की घटना को बता रहे हैं वो जो वहां पे हुआ, ठीक है। ये सभी कोई क्या करते थे, अपने आईज को ऊपर करके देखते हैं और बहुत सारा क्या था ना आसमान में जेट्स हेलीकॉप्टर्स, ठीक है ना, वो क्या कर रहे थे ना इधर से उधर क्या कर रहे थे, ठीक है, फ्लाई कर रहे थे और रोड कर रहे थे। इट मीन्स वो भी अपने लॉयलिटी को दिखा रहे थे नए गवर्नमेंट के प्रति, अरे बात समझ में ना, वो एक तरीके का सेलिब्रेशन होता है जिसको सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। गेटिंग एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, ठीक है ना, जो ये बिल्डिंग था उसके ऊपर, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजंस एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी, ठीक है ना। अब ये बता रहे हैं कि ये केवल ऊपर आसमान में जो आप जेट्स को देख रहे हो, हेलीकॉप्टर को देख रहे हो, ट्रिप्स को देख रहे हो ना, ये जो क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, ये केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है अपने कंट्री के पावर को दिखाने का कि हम लोग इतने शक्तिशाली हैं, ठीक है ना, हम लोग हैप्पीनेस से क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने नए गवर्नमेंट का, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपने ऑनेस्टी को, अपने लॉयलिटी को दिखा रहे हैं अपने नए डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रति। सारी बात समझ में, वो न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, यानी कि वो नए गवर्नमेंट के प्रति देख रहे हो ना, नया जो गवर्नमेंट बना है, जो क्या बना है, निष्पक्ष तरीके से बना है, ठीक है ना, बिना किसी, ठीक है, डिसऑनेस्टी के साथ बना है, ठीक है ना, निष्पक्ष तरीके से, सारी बात समझ में, ठीक है ना, यानी कोई इसमें घोटाला नहीं हुआ है, ये बस समझ लो, ठीक है ना, उसके प्रति वो बता रहे थे। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ देर के बाद, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बैक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयलिटी। अब देखो, अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना, इस बात को समझना, बैक्ड मीन्स क्या होता है, बैक्ड बैक्ड मीन्स होता है ना सजा हुआ। अब देखते हो ना, जैसे कि हमारे डिफेंस के जो जनरल होते हैं, जो हाईएस्ट रैंक के होते हैं ना, जैसे आर्मी के, एयरफोर्स के और नेवी के, तो आप देखते हो कि उनके चेस्ट पे क्या रहता है, बहुत सारा रिबन्स रहता है और मेडल्स रहता है कि नहीं रहता है, यस और नो गाइस, टेक्स्ट द मैसेज, होता है कि नहीं, बस ये सेंटेंस समझ जाओगे तो इस पैराग्राफ पे कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, होता है ना पूर्वा, वेरी गुड। तो वो देख रहे हैं ना कि वो मेरी तरफ आ रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अरे बात समझ में ना, क्योंकि वो भी वहां पे पार्टिसिपेटेड थे, आना था। तो देखो, उस देरी के बाद, ओनली मोमेंट्स बिफोर, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका के जो हाईएस्ट जनरल थे
जो उच्च पदाधिकारी थे हम बोल सकते हैं हाईएस्ट रैंक पे आर्मीज के, ठीक है, नेवल और एयरफोर्स के, नेवी के, वो सभी आए थे, ठीक है, एंड सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयलिटी, ठीक है ना, उन लोगों ने मुझे क्या किया, सैल्यूट किया और अपने लॉयल्टी को यानी अपनी ईमानदारी को मेरे प्रति दिखाया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। फिर से समझना इस सेंटेंस को, वन सेकेंड। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अब देखो समझना, आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया कि वो 30 ईयर्स में वो क्या हो जाता है, जेल हो जाता है, हो जा रहा है ना, यस और नो गाइस, याद है 30 ईयर्स के लिए उनको क्या होता है, जेल होता है कि नहीं होता है, सही यस और नो, यस, वेरी गुड। उस समय जो पकड़ के ले गया गया होगा लोग कोई भी, तो वो पुलिस के या एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पदाधिकारी ना पकड़े होंगे उनको, और पकड़ कर क्या करके लेके गए थे, तो जेल लेकर गए थे, ठीक है, उसमें उनकी जम के पिटाई भी हुई थी। पहली बात समझ में ना, बहुत ज्यादा उन लोगों को क्या किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, तुरंत मिलेगा पढ़ने के लिए। अपने फ्रेंड्स के बारे में बताएंगे नेल्सन मंडेला, अपने दोस्तों के बारे में बताएंगे कैसे हम लोगों ने, ठीक है ना, ये फ्रीडम हम लोगों को मिला, ये सारा कुछ वो बताएंगे और चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो बोल रहे हैं ना वही बात वो यहाँ पे बोल रहे हैं, ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट पैक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। यहाँ तक मैंने बताया, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, ठीक है, तो बोले ना कि मेरे को थोड़ा सा भी अनमाइंड नहीं हुआ कि अच्छा यही लोग थे कुछ दिन पहले, ये मेरे को सैल्यूट नहीं कर रहे थे, स्टिक उठा के चलो अंदर जेल में, अब पीटते भी थे, ठीक है, और आज वो मुझे क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन उस समय तो मेरे को सैल्यूट नहीं करते थे, ठीक है। मतलब इस सेंटेंस के अनुसार वो बताते हैं कि अगर इंसान को अपने आप पर क्या रहे बिलीफ रहे, तो हर एक चीज को अचीव कर सकता है। देखो नेल्सन मंडेला ने, ठीक है ना, काफी लड़ा अपने दोस्तों के साथ, संघर्ष किया और वहां से एबॉलिश कर दिया अपार्टाइड जैसे बहुत दिनों से चला आते हुए रूल और रेगुलेशन को। तो हमारे जो ड्रीम है वो हमारे लिए कुछ नहीं है अगर थोड़ा सा हम डेडिकेटिव है तो। अरे बस समझ में ना, समय सबका बदलता था, एक समय था इनको डंडा लेके और क्या करता था, फायरिंग करता सब, हाँ ऊपर करो नहीं तो मार देंगे गोली, अबे बेचारे डर के मारे, हाँ, ठीक है भाई गोली मत मारो, ठीक है ना, इसको अपना जान प्यारा नहीं होता है, टेल मी गाइस, होता है ना, अरे बात समझ में ना। अब देखो क्या आ रहा है सब, आ रहा है सब, तो सर जय हिंद सर, ठीक है ना, जैसे हम लोग जय हिंद बोलते हैं वो नहीं, वो लोग भी क्या करते हैं, सैल्यूट कर रहे थे, इंडिपेंडेंस की, कहीं अब तो बदला ना ले ले ये सबको, क्या करो पोस्ट से हटाओ, बट वैसे टाइप के नेल्सन मंडेला हमारे नहीं थे। अरे बस समझ में, शायद ये लाइन अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा सा हंसी भी आया होगा, राइट राइट एवरीवन, ओके। अंकित ये कौन सा राइट है, ठीक है, तो यहां तक हम लोग पढ़े। फाइनली अ सैप्लोन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक। अब देखो सैप्लोन जो होता है ना, समझना, पैटर्न इन द शेप ऑफ भी, ठीक है ना, एक कौन सा जेट्स था, तो इम्पाला जेट्स, क्या नाम है इसका, इम्पाला, इम्पाला जेट्स, ठीक है ना, इसका नेम क्या है, इम्पाला जेट्स। तो वो क्या करता है ना, वी शेप में, ये देख रहे हो ना मेरा फिंगर, वी शेप में क्या करता है, ठीक है ना, अपने पीछे से जो स्मोक छोड़ता है ना, स्मोक, स्मोक मीन्स क्या होता है, समझ में आ रही बात ना, धुआं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का रहता है। अरे बात समझ में, एक जो निकलता है वो ब्लैक कलर का निकलता है, दूसरा जो निकलता है वो रेड कलर का निकलता है, और वी शेप में जाता है, अरे बात समझ में ना, और ब्लू शेप में जाता है, गोल्ड स्लेप में जाता है, ठीक है ना, और जो अफ्रीका नेशनल फ्लैग का क्या है, कलर है, अरे बात समझ में, तो वो भी आसमान में क्या कर रहा है, अपना शो कर रहा है, अरे बात में लॉयलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपने पावर को। आप देखते हो ना जनरली क्या होता है, जब प्रेसिडेंट या सॉरी पीएम और दूसरे कंट्री में प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, तो अपने पावर को भी शो किया जाता है, हैप्पीनेस शो किया जाता है, तो वही वहां पे हो रहा था। अरे बात समझ में, तो ये इम्पाला जेट समझ में आ गया ना, सैवरॉन टाइप का क्या है ये, पिंक कलर का,
अरे बस समझ में ना, भी कलर का क्या हो रहा है, भी कलर में वो बहुत सारा कलर एरे मतलब होता है ना, वो लाइनिंग करते हुए निकल रहा है उसका। आसमान में सोच लो वो कितना अच्छा कलर लग रहा होगा, ब्लैक है, उसके बगल में क्या है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, गोल्ड है, और सभी कैसा शेप बनाते जा रहा है, वी शेप बनाते हुए जा रहा है। ये जो समझ में आ रहा है ना सभी को, गेटिंग एवरीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक समझने में? चलिए, द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग मक्सोए सिकले ई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक ऑल्दो दैट द डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम they once devised they would soon know the word by heart. okay, अब देखो होता क्या है, बोल रहे ना कि ये डे था ना, ये दिन काफी मेरे लिए सिंबलाइज्ड था, काफी अच्छा था, सही तरीके से था। पहले देखो, पहले क्या होता था ना, जैसे अपार्सिक था तो आप जानते, तो मतलब हर एक चीज लोगों का क्या रहता था, डिफरेंस रहता था। तो उस समय भी जो था वो व्हाइट कलर के लोग क्या अपने नेशनल एंथम वो सॉन्ग करते थे, नक्सोई, ठीक है ना, सिकले, आरी बात समझ में, और ब्लैक कौन से गाते थे, डाई स्टेम गाते थे। तो जब वो स्टार्ट हुआ नेशनल एंथम, तो एक सभी लोग क्या हुआ ना, अपने अपने नेशनल एंथम गा रहे थे, ठीक है ना, पहले एक हुआ, फिर दूसरा ब्लैक वाले का हुआ। और देखो उससे पहले क्या होता था, वो लोग क्या करते थे ना, अलग लोगों का ओपिनियन होता है, डिस्पाइज्ड मतलब भी यही होता है, डिस्पाइज्ड, आप देख रहे हो ना, डिस्पाइज्ड का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पाइज्ड, हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इन लोगों का क्या रहता था, ओपिनियन रहता था। तो हुआ क्या ना, देखो उस दिन जब ये हुआ, पहले क्या होता था, अलग अलग ये लोग अपना सिंगिंग करता था, तो दूसरा वाला इन लोगों को याद नहीं रहता था, खुद का अपना ही नेशनल एंथम याद रहता था। बट उस दिन क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर गाए, अगर याद भी नहीं था तो वो रिदम देते थे, एज अ एग्जाम्पल वी कैन से दैट, जैसे कि हमारे घर पे, ठीक है ना, कथावाचक आते हैं, पंडित जी आते हैं, आते हैं ना, स्टार्टिंग में जो हम लोग को याद रहता है मंत्र, तो काफी लाउड वॉइस में बोलते हैं लोग, स्टार्टिंग बोलते कि नहीं बोलते हैं, बता रहा कौन कौन ऐसे करता है, बट जनरली जैसे ही वो अनफैमिलियर वर्ड्स होने लगते हैं हमारे साथ, तो हम क्या बोलते हैं, उनके साथ में साथ में जाते हैं, जय जय करते हैं, करते हैं ना, याद नहीं रहता है, लेकिन उसको क्या करते हैं, उनके साथ में रिदम देते हैं, उनका साथ देते हैं, देते कि नहीं देते हैं, सही यस और नो गाइस, कौन कौन ऐसे करता है पहले ये बताओ, ईमानदारी पूर्वक, पहले एकदम लाउडली गाना स्टार्ट करेगा, फिर बाद में देखता है कि अब नहीं आ रहा है, तो हाँ पंडित जी का साथ, सबका साथ सबका विकास। अंशु आप भी करते हो ऐसे? अमन यस सर, हम मिस्टर यस सर, होता है ना, तो वही जनरली यहाँ पे भी हो रहा था, ठीक है। इस एग्जांपल से हम बहुत आसानी से इस पॉइंट को समझ सकते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन, ओके, इसी कारण से मैंने दिया, आई आल्सो, सभी को ऐसा ही करता है जनरली, ठीक है ना, स्टार्टिंग नहीं आएगा, आता है एकदम वॉइस आवाज देखने, सभी कोई का, कुछ लोग तो पंडित जी से भी आगे रखते हैं, राइट, बट जैसे ही क्या होता है, अनफैमिलियर आने लगता है मंत्र, जो आपको याद नहीं है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो हाँ वहां पे बस वॉइस धीमा हो जाता है, बस होने लगता है, राइट एवरीवन, ऐसा ही होता है ना, राइट, ठीक है। तो वही वो बता रहे हैं कि सभी लोग क्या करते हैं, आफ्टर दैट वो लोग एक दूसरे का भी मिलकर नेशनल एंथम को भी क्या करते, सिंग कर रहे थे, और उन लोगों को था कि बहुत जल्द वो क्या कर लेंगे, एक दूसरे का याद भी कर लेंगे और हार्ट से। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेलम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर आफ्टर, ठीक है ना। अब देखो वो क्या है, बता रहे हैं कि इनॉग्रेशन के दिन वो क्या थे, काफी ज्यादा खुश थे, ओवरवेलम्ड थे। अब देखो ये यहाँ पर बताना शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वो बताना स्टार्ट करते हैं कि ये जो अपार्थिड रूल एंड रेगुलेशन एस्टैब्लिश हुआ वो कब से हुआ, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके एवरीवन, इन द फर्स्ट डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर आफ्टर द बाइचर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, वो बताते हैं मेरे जन्म से पहले, ठीक है ना, क्या होता है, जन्म के पहले ही क्या बात है कि बहुत ही जबरदस्त फाइट होता है, किस किस के बीच में, तो एंग्लो बोर होता है एक लड़ाई, ठीक है ना, और वही लड़ाई में क्या होता है ना, जो ब्लैक पीपल हैं वो हार जाते हैं, ठीक है ना, वो क्या कर दिया जाता है उनको, ठीक है ना,
डोमिनेट कर दिया जाता है वहां से, और ये द व्हाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंस एंड इरेडिकेट इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेसियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड, ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया कि साउथ अफ्रीका यानी काले लोगों की जमीन पे ही, धरती पे ही, साउथ अफ्रीका पे एक रूल बना दिया कि ब्लैक और व्हाइट स्किन पे कि जो व्हाइट स्किन का पीपल होगा और ब्लैक स्किन का पीपल होंगे उनका अलग अलग सारा चीज का रिसोर्सेज और इन लोगों के लिए रूल होगा। उन लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, सारी बात समझ में ना कि आप लोगों को यहाँ ही तक घूम सकते हो, यहीं तक जा सकते हो, ठीक है ना, इससे बाहर आप नहीं जा सकते हो, आई बात समझ में ना। ये सारा कुछ स्ट्रिक्ट ये जो है रूल और रेगुलेशन बैठा दिया गया, द स्ट्रक्चर यानी यही इसी रूल को बोला गया द स्ट्रक्चर, समझ में आ रही बात ना, जो ये रूल था द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड उन्होंने बनाया फ्रॉम द बेसिस वन ऑफ द हार्डेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और जो इन्होंने रूल रेगुलेशन बनाया ये हम बोल सकते हैं सबसे बुरा, सबसे कठोर और अमानवीय, ठीक है ना, अमानवीय टाइप का, मतलब ह्यूमन टाइप का था ही नहीं ऐसा कोई। और हम बोल सकते हैं कि इसके बारे में इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऐसा मतलब ना क्रूएल टाइप का रूल नहीं बना हुआ था, और ये रूल बनने के बाद लोग, ठीक है ना, कंट्री जाने, और यही कारण था ना कि बहुत सारे कंट्री ने इसे क्रिटिसाइज भी किया, आलोचना किया और अपना रिलेशन इनके साथ ब्रेक कर लिया था, ठीक है। जो आप देखेंगे क्या हुआ, जैसे ही ये क्या हुआ यहाँ से एबॉलिश हो गया, ठीक है ना, एपार्टी, उसके बाद क्या हुआ 140 कंट्रीज ऑफ पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज पीपल के आए थे। अरे बस समझ में ना, तो यहाँ तक सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, टेल मी गाइस, बिकॉज आज के लिए काफी है, इनफ है। After that, we will read in second lecture, and if it is not going to complete in second lecture, we will see that third lecture. Okay? यही chapter थोड़ा सा क्या है? Little bit हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा interesting नहीं है, story type का नहीं है। अरे बस समझ में ना, तो थोड़ा सा problem होगा इसको, क्योंकि एक ही बात को ये घुमा घुमा कर केवल बोल रहे हैं उस समय से, right? Right everyone? तो थोड़े अच्छे से इस chapter को पढ़ना है, दो से तीन बार इसको क्या करना है, complete करना है। अरे बात समझ में ना, यू हैव टू रीड फ्रॉम योर बुक ट्वाइस एंड थ्री टाइम्स एटलीस्ट, आपको दो से तीन बार इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो भी टेंस मैंने दिया था उसको रिवाइज कीजिएगा, उसका प्रैक्टिस का एक सेशन और मैं लगाऊंगा टेंस का, ओके। उसके बाद हम लोग नरेशन को स्टार्ट करेंगे, और जितने भी पोएम हैं दो तीन, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ओके एवरीवन, गेटिंग, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, उस समय क्या था, साउथ अफ्रीका के दो नेशनल एंथम थे। अब आप सर्च कीजिएगा, अब अभी कितने हैं प्रेजेंट में, दिस इज योर होमवर्क अंकित, ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं गाइस, किसी को कोई क्वेरी प्रॉब्लम देन यू में आस्क, आप पूछ सकते हो, याद रखिएगा नेक्स्ट हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है। Still no problem. Everyone has to message. सभी कोई को मैसेज करना है before leaving this group. ठीक है ना? ग्रुप से जाने से पहले सभी कोई को मैसेज करना है. Guys, tell me. देखिए अभी मात्र 11 बच्चे हो गए हैं इस चैप्टर में. No problem, sir. No problem. अपूर्वा, no problem. अपूर्वा, अमन, अंकित, मिस्टी, इन सभी से मैं next day पूछूंगा. शुभम, you too also. Anshu. ठीक है आदित्य, ओके, चलिए आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन।